नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। फिर एक बार हमारे देश में ईवीएम मशीन को लेकर बवाल होना शुरू हो चुका है। वो बात ऐसी है कि मिड डे ने एक न्यूज पब्लिश करी जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई के नॉर्थ वेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार ईवीएम मशीन को फोन से अनलॉक किया गया था और इसके बाद में वहां पर काफी सारे वोट की टेम्परिंग वगैरह के दावे किए जाने लगे। ये मामला यहीं पर नहीं थमा। इसके बाद इस जो न्यूज पब्लिश हुआ था इसे उठा लिया ध्रुव राठी ने, और ध्रुव राठी ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर ये बात सच है तो नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से एक बार इलेक्शन होने चाहिए और इस बात पर एक प्रॉपर क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। ध्रुव राठी के इस ट्वीट के बाद में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने भी इस मामले को उठाना शुरू कर दिया और दोनों ने इस बात के लिए दावे करने लगे कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। उत्तर प्रदेश में तो 48 लाख वोटों के टेम्परिंग करने का, 48 लाख वोटों को इधर उधर करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी यूपी में और भी काफी सारे सीट्स हार जाती अगर वहां पर ईवीएम में इस तरह की धांधली नहीं कर पाती, और हर जगह बीजेपी पर आरोप लगने शुरू हो गए कि इसने ईवीएम को फिर एक बार हैक कर लिया और जैसे तैसे गवर्नमेंट बना ली अपनी। जब इस बात पर मैं प्रॉपर रिसर्च कर रहा था उस समय मुझे ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है कि ईवीएम मशीन जो होती है वो एक स्टैंड अलोन मशीन होती है, उसके अंदर कोई भी वायरलेस कनेक्शन नहीं होता, वो वाईफाई से नहीं चलती, वो इंटरनेट से नहीं चलती है जिसे आप किसी भी तरह के कोड से किसी तरह से उसको हैक कर सकते हैं। वो एक अनहैकेबल मशीन कही जाती है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आप वोट कास्ट करते हैं, वो एक सिस्टम उसका ऑपरेट करने वाला होता है, बस उसी तरह से वो चीज़ें काउंट कर दी जाती हैं, उसमें किसी भी तरह का वायरलेस कनेक्शन नहीं होता। जब वायरलेस कनेक्शन नहीं होता उसमें तो उसको हैक करने की बात तो कहीं से उठती ही नहीं है। लेकिन इन सब के बाद में एलॉन मस्क ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनके क्रेडिबिलिटी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे हैक किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम मशीन जो अमेरिका में इस्तेमाल की जाती है, वहां पर उसे इंटरनेट से भी ऑपरेट करने की बात कही जाती है। तो अगर कोई चीज़ इंटरनेट से ऑपरेट हो सकती है तो उसे हैक किया जा सकता है, इस बात को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भारत में जो ईवीएम मशीन होती है वो एक स्टैंड अलोन मशीन होती है, उस पर किसी भी तरह का इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं होता, तो उसके हैक करने के दावे को अब तक कोई सही साबित तो कर ही नहीं पाया है। आज से पहले जितनी भी बार ईवीएम मशीन को हैक करने की बात कही गई है उतनी बार इलेक्शन कमीशन ने खुलकर कहा है कि आप आइए और मशीन को हमारे सामने हैक करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। लेकिन अब तक कोई भी ईवीएम मशीन को हैक करने में कामयाब नहीं हो सका है, ये बात मैं और आप सब लोग जानते हैं, इस बात से हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, जब आप ईवीएम मशीन को हैक करने का और वोट्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो आपको इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर वोट कांग्रेस के खाते से बीजेपी में जाने की बात कही जा सकती है तो बीजेपी के खाते से कांग्रेस में जाने की बात भी कहने वाले लोग कल को उठने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से अगर लोग ईवीएम मशीन पर, हमारे इलेक्शन कमीशन पर ही शक करना शुरू कर देंगे तो हमारे देश के वोटर्स के मन में क्या बात जाएगी, हमारे देश के वोटर्स को क्या मैसेज जाएगा, हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर कितने सवाल उठने शुरू हो जाएंगे अगर इस तरह के दावे लोग करने लगेंगे। आज तक कोई भी ईवीएम मशीन को हैक करने का काम कर नहीं पाया है। अगर कोई कर सकता है तो भाई वो जाकर साबित कर दे कि इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम मशीन होती है इसको हैक किया जा सकता है, लेकिन इस बात को तो कोई साबित कर नहीं पाया है। इसके बावजूद इस तरह के दावे किए जाते हैं। इस तरह के दावे करने से होता और कुछ नहीं है, बस जनता को भ्रमित करने का या पब्लिक को मिसगाइड करने का काम इस तरह के दावे के द्वारा किया जाता है। अगर अखिलेश यादव जी आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में वोट्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किया गया, इलेक्शन कमीशन की साथ भी छेड़खानी हुई है, ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हुई है, इतने सारे दावे जो किए जा रहे हैं, अगर ये बात को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों ना आप ये डिमांड कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 के 80 लोकसभा सीट पर फिर से एक बार चुनाव करा दिए जाएं। भाई अगर ईवीएम मशीन को बीजेपी को हैक ही करना होता तो वो खुद अपना बहुमत ना लेके आ जाती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बार 1.5 लाख वोट के मार्जिन से जीते हैं, वो उनको खुद को बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, बीजेपी में किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि एक प्राइम मिनिस्टर 1.5 लाख वोट के मार्जिन से जीता है। ये खुद बीजेपी के लिए काफी शर्म की बात है इस वक्त। लेकिन अगर ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता था तो भाई इस 1.5 लाख को 3 लाख 4 लाख कराने में कौन सी बड़ी मेहनत थी। देश में बीजेपी इस बार 272 का मेजोरिटी पार करने में कामयाब नहीं हुई, अपने अकेले के दम पे वो 272 नहीं ला पा रही है, उसे दूसरे पार्टीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है सीट्स के लिए, गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए। अगर ईवीएम को हैक करना इतना ही आसान होता या ईवीएम को हैक करना संभव होता तो बीजेपी सारे के सारे ईवीएम को हैक करके अपने 400 पार के दावे को सही साबित कर देती। अगर 400 पार नहीं तो 300 पार तो अपने दम पर कर ही लेती, जैसे उसने 2019 में किया था।
इस तरह के दावे करना एक तरह से जनता के मन में भ्रम को पैदा करना है और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज आप दावे कर रहे हैं, कल को दूसरे तरफ से दावे शुरू हो जाएंगे, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे तो हमारे देश के डेमोक्रेसी पर विश्वास कौन करेगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और हमारे देश में आज तक ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत ही स्मूथ तरीके से होते रहे हैं और जनता यही एक्सपेक्ट करती है कि आगे भी इस तरह के ट्रांसफर ऑफ पावर जो होता है हमारे देश में एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास वो स्मूथ तरीके से होता रहे जैसे आज तक होता आया है। अगर इस तरह के आरोप लगेंगे तो जनता की आप क्या मैसेज दे रहे हैं, इस बात को भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे देश के लोगों को हमारे देश के अथॉरिटीज़ पर विश्वास करना चाहिए, हमारे पुलिस पर विश्वास करना चाहिए, हमारे इलेक्शन कमीशन पर विश्वास करना चाहिए, ना कि किसी जर्मन कॉकरोच की बात पर विश्वास कर लेनी चाहिए जो अपनी फेक न्यूज़ की ट्वीट को डिलीट करने की भी समझ नहीं रखता है। वैसे इस पूरे टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप जो भी सोचते हैं आपके ऑनेस्ट रिव्यूज़ मेरी बहुत मदद करते हैं और मैं उन्हें पढ़ता भी हूँ, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो मेरे वीडियो की रीच बढ़ती है और मैं सही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाने में कामयाब होता हूं। बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलूंगा आपसे द वीरेन मिश्रा शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।